असलकम फार्माकोलॉजी में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ़ ड्रग्स सो वट आर दोर्सेज ऑफ़ ड्रग्स मेनली हमारे पास ड्रग्स के चार सोर्सेज हैं जो मेन है कितने हैं फोर सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज फिर सेमी सिंथेटिक फिर सिंथेटिक एंड फिर बायो सिंथेटिक सबसे मेन जो है वो नेचुरल सोर्स है ठीक है अब नेचुरल सोर्स की आगे क्लासीफिकेशन है वो कैसी क्लासीफिकेशन है कि नेचुरल सोर्स में हम आ, बात करें तो प्लांट सोर्सेज भी आ जाएंगे एनिमल सोर्सेज भी आ जाएंगे मिनरल सोर्सेज भी आ जाएंगे और माइक्रोबियल सोर्सेज भी आ जाएंगे सो so, सबसे पहले प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं ने सबसे पहले हमने ड्रग्स सोसेज ऑफ ड्रग्स की बात की उसके अंदर नेचुरल सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज में अब कौन कौन से हैं प्लांट्स एनिमल मिनरल एंड माइक्रोबियल अब प्लांट सोर्सेज की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सिंकोना संकोना एक प्लांट है जिससे कौन सी ड्रग डिराइव हुई है क्विनिन ठीक है सिंकोना प्लांट से कौन सी ड्रग डराइव हुई है क्विनिन क्विनिन क्या है एंटी मलेरियल है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ओपियम पोपी प्लांट ओपियम पोपी प्लांट से हमारे पास आती है मॉरफीन क्या आती है मॉरफीन मॉरफीन क्या होती है एनल जैसी को होती है हमें पता है उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा प्लांट है एफेड्रा वलगेरस एफेड्रा वलगेरस प्लांट से हमारे पास आती है एफेड्रीन ठीक है एफेड्रीन जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर है उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्लांट आता है नक्स वोमिका नक्स वोमिका वामिका से हमारे पास जो ड्रग आती है वो कौन सी है स्ट्रिकन सो व्हाट इज ट्रिकनिन्ट ट्रिकन जो है वो रोडेंटिसाइड है यानी रोडेंट्स के अगेंस्ट रोडेंट्स को किल करती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है प्लांट का वो कौन सा Vincarosia, है विंका रोजिया ठीक है विंका रोजिया से हमारे पास आती है विंक्री स्टिन विंक्रीस्टिन जो है वो एंटी कैंसरस ड्रग है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटेलिस परप्यूरिया डिजिटेलिस परप्यूरिया से जो हमारे पास ड्रग आएगी वो होगी डिजिटेलिस और ये क्या करती है ये मायोकार्डियल स्टिमुलेंट है मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करती है ठीक है ये हो गए प्लांट सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज में प्लांट प्लान्टोसेज के हमने देखे सिंकोना से ओपियम पोपी से फेड्रावेरस से नक्सपोमिका से विंका रोजिया से एंड डिजिटेलस प्रप्यूरिया से नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो हमारे पास आते हैं एनिमल सोर्सेज सो व्हाट आर द एनिमल सोर्स एनिमल सोर्सेज में हमारे पास ट्रिप्सिन आती है ठीक है पेप्सिन आ गई है ठीक है ड्रग फेब्रीनोलाइसिन थायरोक्सिन एंड जो 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 हम एनिमल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पे आते हैं नेचुरल सोर्स में मिनरल सोर्सेज मिनरल सोर्सेज कौन कौन से हैं मिनरल्स आते हैं हमारे पास कॉपर सल्फेट ठीक है सी यू एस ओ फोर सी यू एस ओ फोर क्या है एक इमेटिक है यानी वॉमिटिंग कराता है ठीक है इमेटिक है उसके बाद मैग्नीशियम सल्फ़ेट मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है वो हमारे पास परगेटिव है ठीक है उसके बाद फेरस सल्फ़ेट जो है मैग्नीशियम सल्फ़ेट परगेटिव है तो ये किसमें यूज़ होगा कॉन्स्टिपेशन में फेरोसल्फ़ेट जो है वो हेमाटीनिक एनीमिक पेशेंट्स में यह फेरोसल्फेट दिया जाता है क्योंकि हेमाटीिक है ब्लड फॉर्मेशन कराता है ठीक है आरबीसी की फॉर्मेशन कराता है नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट हमें पता है एंट एसिड है यानी एसिडिटी के इफेक्ट को जो है वो मिनिमाइज़ करती है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड जो है वो एक्सपेक्टोरेंट का, का काम करता है ठीक है वेट कफ में ठीक है ड्राई कफ में ठीक है ये एक्सपेक्टोरेंट का, का काम करता है पोटाशियम आयोडाइड नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबियल सोर्सेज माइक्रोबियल सोर्सिस में तो हमारे पास कौन कौन से हैं पेनिसिलियम नोटेटम से जब हमारा जो है वो माइक्रोबियल सोर्स है उससे हमारे पास ड्रग आती है पेंसिलीन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से जो ड्रग आती है उसे कहते हैं स्टेप्टोमाइसिन नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्टोमाइसिस औरटेलस से जो ड्रग आती है उसे कहते हैं वेंकोमाइसिन फिर हमारे पास स्टेप्टोमाइसिस और जो ड्रग आती है उसे कहते हैं रिथ्रोमाइसिन फिर हमारे पास स्टेप्टोमाइसिस लिंकोलेंसिस से जो ड्रग आती है उसे कहते हैं लिंकोमाइसिन फिर बेसीलिसस सप्टिलस से जो ड्रग आती है उसे कहते हैं बेकिट्रेसिन फिर बेसीलस कोलिस्टिनस से जो ड्रग आती है कोलिस्टिन ये हो गए सारे माइक्रोबियल मै सोर्सेस अब हमने नेचुरल सोर्सेस देख लिए जिसमें प्लांट सोर्सेस थे ठीक है सिंकोना ओपियम पोपी वगैरह एनिमल सोर्स में ट्रिप्सिन टैपसिन फाइब्रीनोलाइसिन एंड हैपरिन होगी मिनरल सोर्सेज में हमारे पास कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट फायरस सल्फेट वगैरह हो गया ठीक है उसके बाद माइक्रोबियल सोरसेज में पेंसिलिनटैटम स्ट्टोमाइसिस ग्रीशियर ग्रीशियस और एंटेलस ये सारे हो गए अब हमारे पास है सेमी सिंथेटिक सोर्सेज सेमी सिंथेटिक सोसेज से हमारे पास कौन कौन से आएंगे मॉर्फिन डेरिवेटिव ठीक है मॉर्फिन डेरिवेटिव जो है मॉर्फिन से हमारे पास कौन सी ड्रग आती है हाइड्रोमॉर्फन मॉर्फिन से कौन सी ड्रग आएगी हाइड्रोमॉर्फन एफेड्रीन से कौन सी ड्रग आएगी सूडोफेड्रीन ठीक है एफेड्रीन से कौन सी ड्रग आएगी एफेड्रीन डायरेवेटिव से यानी सेमी सिंथेटिक ठीक है इससे एफेड्रीन डायरेवेटिव जो होंगे उनसे हमारे पास कौन सी ड्रग आएगी सूडोफेड्रिन फिर पेंसिलीन डायरेवेटिव जो होंगे उनसे हमारे पास ड्रग आएगी एमॉक्सीसिलीन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक सोर्सेज अब सेमी सिंथेटिक में मॉर्फिन वाले हो गए फेडरिन डायरेविटिव हो गए पेंसिलीन डायरेविटि हो गए नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक सोर्सेज सिंथेटिक सोसेज में हमारे पास आती है प्रोकेन और हेलोथेन प्रोकेन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक है ठीक है और हेलोथेन जो है वो जनरल एनेस्थेटिक गैस है उसके बाद बायोसिथेटिक सोसेज में हमारे पास कौन कौन से आते हैं रिकम्बेन्ेंट ह्यूमन इंसुलिन आ गई रिकम्बिनेट ह्यूमन इरीथ्रोपोटिन आ गया ठीक है रिकम्बिनंट ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन आ गई ठीक है. है उसके बाद रिकम्बेनेट ह्यूमन अब बो, रिकॉम्बिनेंट बोएं सोमैटोट्रोपिन आ गया ठीक है